नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मोहल्ले में साफ सफाई करवाने हेतु सफाई अधिकारी को पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमें हेडिंग लिख देनी है प्रार्थना पत्र, फिर हमें लिखना है सेवा में, कॉमा लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, आपका जो नगर निगम है, जैसे कि मेरा जयपुर है तो मैं जयपुर लिख रहा हूँ। इसके बाद में जहाँ पे कॉमा है वहाँ कॉमा भी लगा देना है आपको, मैंने यहाँ पे जयपुर लिख दिया है। इसके बाद में हमें लिखना है विषय, विषय है अपने मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। हम अपने मोहल्ले में सफाई करवाना चाहते हैं तो अपने नगर निगम अधिकारी ही उसको हमने सफाई करवाने के लिए ही पत्र लिखा है। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे इलाके का कचरा कंटेनर कई दिनों तक सफाई न करने के कारण बह निकला है, मतलब उस जो कचरा एकत्रित करने वाला जो कंटेनर है उसमें बदबू आ रही है क्योंकि उसमें उसको खाली नहीं किया है। इस तरह से हमको ऐसी भाषा में लिखना है। खराब गंध से निकलने वाली सड़ी हुई सामग्री इस प्रकार आसपास के लोगों को अपने नाक के आसपास दुपट्टा पहनने के लिए मजबूर करती हैं। अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो बीमारी फैलने की संभावना रहेगी, मतलब इसी तरह से हमारे मोहल्ले में बदबू फैलती रहेगी तो लोग बीमार हो जाएंगे, यानी बीमारी फैलने की संभावना है। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो बीमारी फैलने की संभावना है और हालत है वह दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसलिए हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आज ही कृपया इसे साफ किया जाए ताकि हम जल्द ही एक सामान्य जीवन जी सके। हमारे मोहल्ले में जो कचरा है फैला हुआ है इसको सफाई करवाने के लिए इस तरह से हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो यह प्रभावी रहेगी। अंत में हमें धन्यवाद देना है और भवदीय हमें अपना नाम लिखना है और हमारे स्थान का नाम लिखना है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे डेट एडजस्ट करनी है, डेट यहाँ पे सॉरी मैंने लिखना भूल गया था, इसमें एक डेट भी लिखना ज़रूरी है और इस प्रकार से हम किसी भी अधिकारी को पत्र या एप्लीकेशन लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप और इस चैनल को हैं जो सब्सक्राइब कर दें लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें इंटरेस्टिंग, ताकि ऐसे ही मैं पत्र लेखन एप्लीकेशन लेखन संबंधित वीडियो पाने बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।